तो अगर आपके घर भी ट्रैफिक नियम तोड़ने से जुड़े ई चालान पहुंच रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि आपके कोई आपकी गाड़ी के नंबर का दुरुपयोग कर रहा हो, बेधड़क ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हुए अपराध कर रहा हो। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक बदमाश युवक की अजब गजब करतूत सामने आई है और उस करतूत का शिकार कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि शहर में रहने वाले एक जज का परिवार बना है। दरअसल ग्वालियर शहर में रहने वाले जज की पत्नी की स्कूटी का नंबर स्कूटी पर लगा कर घूम रहा था। जब उसने शहर के रेड सिग्नल को तोड़ा तो जज के घर ITMS सिस्टम के जरिए ई चालान पहुंचने शुरू हो गए। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि जज की पत्नी की गाड़ी घर पर ही खड़ी थी। पत्नी ने अपने पति को इस पूरे मामले के बारे में बताया, तभी जज ने इस मामले की शिकायत पुलिस के अधिकारियों से की। वही हाई प्रोफाइल मामला होने के चलते क्राइम ब्रांच पुलिस एक्टिव हुई और बदमाश युवक को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसने यह स्कूटी अपने परिचित से गिरवी रखी थी। यह स्कूटी उसकी नहीं है, लेकिन शहर में ई चालान आने पर गाड़ी मालिक को इसकी जानकारी ना लगे इसको लेकर उसने गाड़ी का नंबर बदल लिया था। फिलहाल पुलिस ने बदमाश युवक को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। एक एडिशनल SP क्राइम जो है उनको सूचना प्राप्त हुई थी कि एक जज साहब हैं जो भार पदस्थ हैं, उनकी पत्नी के नाम से गाड़ी है और वो गाड़ी घर पर पहुंचा तो उनकी गाड़ी कहीं गई नहीं थी और ई चालान उन्हें डाउट हुआ कि मतलब कोई अन्य व्यक्ति उनके नंबर को यूज़ कर रहा है। तो एडिशनल SP क्राइम ने जो है TI क्राइम को निर्देशित करा कि इस संबंध में जाँच की जाए। तो TI क्राइम द्वारा इस बात की तस्दीक की गई। तस्दीक करने पर CCTV फुटेज के आधार पर वो नंबर को चेक किया गया तो उसमें एक स्कूटी चालक मिला जो गाड़ी का फर्जी नंबर लगाकर उनकी कार का नंबर लगाकर स्कूटी चला रहा था। और जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि उसने 25,000 रुपये में वो स्कूटी गिरवी रखी है और गिरवी का जो जिसकी जो ऑनर है उसको पता नहीं चला कि ये गाड़ी यूज़ कर रहा, इसलिए उसने फर्जी नंबर प्लेट लगा ली थी। फिर भी इस संबंध में क्राइम ब्रांच द्वारा पूरी तस्दीक की जा रही है।